और आज आप लोगों को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। ये देखो आ गया आप लोग अपने खेत, और इधर का फसल भी देखो भाई। बट इसके साथ ही साथ मैं वीडियोग्राफी बनाते रहता हूँ जो आप लोग देख ही रहे हैं। दुख थोड़ी रहूं भाई कि इसका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। पहले मेरे को हिंदी भी बोलना ढंग से नहीं आता था, फर्स्ट व्लॉग मेरा देखना, हिंदी भी बोलना मेरे को ढंग से बिल्कुल भी नहीं आता था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय। तो दोस्तों आज किस व्लॉग की शुरुआत, अभी शाम को 4:30 बजे हो रहा है, और इस चीज़ का आप लोगों को कारण वगैरह रीज़न वगैरह बता रहा हूँ कि कल रात को बहुत टाइम से भाई जगा था, वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था भाई 3-4 बजे, तो खुद ही घर आया हूँ, तो वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था भाई, इतना गंदा तरीके से नहीं लग रहा था उसे। पहले वाले रात को भी वैसी टाइम में भाई वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था, सोया ही नहीं था ना, सीधा सोया तो मेरे को पता नहीं चला भाई 1 बजे मेरी नींद खुल गया, मतलब इतना गंदे तरीके से भाई नींद पड़ा कि मेरे को पता नहीं चला कि कब 1 बज गया भाई। वो भी सौरभ कॉल किया तो भाई, उसके बाद फिर मैं फटाफट रेडी होकर चला गया राशन सामान लेने के लिए, क्योंकि कल तो सर्वर वगैरह डाउन था ना, इसलिए सामान वामान नहीं ले पाया था, तो आज गया और फटाक से मिल भी गया भाई। उसके बाद फिर आके खाना वाना खाया, फिर सो गया दोस्तों, तो 2-3 घंटे फिर सोया, और अभी मेरा नींद खुल रहा है, तो अब अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। और अभी मेरा नींद पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट फिर भी भाई मेरे को व्लॉग वीडियो भी बनाना है, और आज आप लोगों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, और मिडिल क्लास के बंदे लोगों के सोच को ही मतलब चेंज करने वाला हूँ, मतलब नेगेटिविटी को दूर करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या वो सोचते रहते हैं, और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उन लोगों को मतलब वो चीज़ नहीं कहना चाहिए, मतलब एकदम जो कि आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ, अभी तो एक्सप्लेन करते हुए नहीं बना है तो वीडियो में बताता हूँ। बट उससे पहले अपन लोग थोड़ा सा खेत तरफ घूम के आते हैं, क्योंकि उधर का सीन क्या क्या मेरे को पता नहीं है, 1-2 दिन हो गए ना अभी देखे भी नहीं है, तो उधर चलते हैं फिर देख के आते हैं, और आप लोगों को भी थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ। आज का नज़ारा काफ़ी बढ़िया है, और अभी मौसम बहुत ही मतलब बारिश वारिश होगा ऐसा थोड़ा सा सीन है, बट अभी तो नहीं हो रहा है, बट हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। इधर का सीन देखो, इधर मेरे को लग रहा है बारिश वगैरह होगा ही होगा भाई, और काफ़ी बढ़िया दिख रहा है भाई सीन यार, कसम से। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं सोच ही रहा था कि ना इस नेचर को, इस मतलब गांव के नेचर खूबसूरती को ना आप लोगों को एक वीडियो में ना बना के दिखाऊं भाई, उसको अपन सिनेमेटिक वीडियो के तौर पर दिखाते हैं, और काफ़ी बढ़िया दोस्तों सच में ये आइडिया मेरे को अभी चलते चलते आया कि इधर मतलब खूबसूरती, मतलब कुछ कुछ जगह मेरे को ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो फिर मैं दिमाग को फटाक से आया है कि इसका भी अपन वीडियो बना सकते हैं। जैसे ये देखो आ गया अपन लोग अपने खेत, और इधर का फसल भी देखो भाई, अच्छे से आ गया फसल, बट और अच्छे से आएगा, बट पानी वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं है, देखो ना पूरा का पूरा जमीन दर रहन दिया भाई, ये कैसे ना यार, पूरा का पूरा पोपट हो गया भाई। इधर का वैसे घना घन नहीं है, बट पानी पड़ेगा तो एक चीज में तब घना घन होगा भाई, अच्छे से सभी तरफ निकलेगा। और ये रुंधना वगैरह जो मम्मी हल्का सा बांधी थी अपने हिसाब से, वो भी पूरा का पूरा टूट गया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आगे हूँ तो मैं इसको करूँगा सभी को फाइनल भाई, सभी को अच्छे से गड़ियाऊंगा, और जो हमारे घर में जाल है ना उसको सभी तरफ मैं ऐसा फैलाऊंगा भाई। तो अभी तो इधर ही देखने आया था इसे नॉर्मली, तो अभी चलते हैं फिर आप लोगों से मस्त बात करते हैं भाई। निसार भाई को पकड़ के सीधा छत के ऊपर में आ गए हैं, तो अब बताने वाला हूँ आप लोगों को, बात करता हूँ सबसे पहले मिडिल क्लास लड़कों के बारे में। जो लोग सोचते नहीं है कि मेरे लाइफ में एल लग गए हैं, अभी 10 साल का प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करूँगा, क्या करूँगा, लंदर फंदर बहुत सारे चीज़ें, अमका डमका 40-50-100, ठीक, वो लोग सोचते रहते कि मैं क्या करूँगा भाई, पैसे कैसे कमाऊँगा, पढ़ाई में भी कोई रंग ढंग नहीं, और काम कहाँ से मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, मैं भी एक मिडिल क्लास मतलब उससे भी मतलब नीचे का मतलब पर्सन हूँ, एक बंदा हूँ, लड़का हूँ, जो मतलब अभी मैं मतलब अपना सब चीज़ मैनेज करके चलता हूँ, मैं काम भी करने जाता हूँ, मेरे को भी काम नहीं मिला भाई, मेरे को मतलब पता लगाना पड़ता है, पता लगाओ भाई आप भी थोड़ा सा मेहनत करो, धीरे धीरे कि मतलब मिल ही जाता है काम वगैरह, ऐसा दिक्कत नहीं है कि मतलब काम वगैरह मिल ही मतलब मिलेगा ही नहीं, मिलता है काम वगैरह, बट थोड़ा सा पता करना पड़ता है भाई, खुद को पैसा कमाना पड़ता है भाई, तो इसलिए खुद मतलब जाके काम वगैरह पूछना पड़ता है, चाहे जाने से बोलते नहीं है समय में दुश्मन भी काम आते हैं, ऐसा वाले सीन तो भाई दुश्मन से भी जाके पूछना पड़ता है, बट एक्चुअली में नहीं हो गए, बट जाके पूछो भाई, सभी से पूछो भाई, दोस्त यार इधर उधर सभी मतलब पता लगाओ भाई, जिससे आप मतलब बोल सकते हो उन सभी को पता लगाओ, और दुकान वगैरह में भी जाओ तो काम वगैरह मिल ही जाता है। पिताजी मम्मी जी बोल देते हैं कि खुद कमाओ थोड़ा सा इधर उधर ऐसा, क्योंकि कोई कोई बोल देते हैं, क्योंकि उनका भी मतलब स्थिति बहुत ही बेकार होता है, इसलिए बोलते हैं, बाकी आप लोग इस चीज़ को बहुत ही वो सोच लेते हैं कि हमको बोल दें मम्मी जी अब क्या करेंगे, ऐसा वैसा लंदर फंदर, तो ये चीज़ कभी नहीं सोचना है। मैं अपना बताऊं भाई, मैं भी आप लोग उसमें तो मिडिल क्लास से तो बहुत नीचे का हूँ भाई, कमा रहे तो खा रहे ऐसा वाला सीन है। मैं भाई मेरा दोस्त मिला राजेश नाम का एक, जो 12वीं में मतलब किसी दिन किसी से मतलब लड़ाई हो गया भाई कि तू पैसे से नहीं कमाता, ऐसा वैसा मतलब दोस्त से, तू अपने घर से जब मतलब चलाता रहता है पैसा वगैरह लेके, तो मैं उस दिन ठान लिया था कि मैं भी पैसा कमाना स्टार्ट करूँगा, खुद के अपने मतलब खुद डिपेंड हूँगा भाई अपने आप में,
माई सेल्फ मतलब खुद मतलब डिपेंड रहना चाहता हूँ अपने हिसाब से अपने दम पे। कोई भी मतलब किसी से पैसे नहीं मांगूंगा और अभी भी नहीं मांगता, ना मम्मी से मांगता हूँ ना तीनों भैया से मांगता हूँ भाई पैसा। राजेश वही लेके मेरे को गया, फिर धीरे धीरे करके मैं वहाँ काम वाम स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके मेरे को बन भी नहीं रहा था, बट मैंने जैसे भी ऐसे तैसे जैसे भी हुआ बट काम किया। उसके बाद फिर मैं जो ठेकेदार चलाते हैं लेबर लड़के वगैरह चलाते हैं ना, उन भैयाओं से बातचीत हुआ अगर हुआ कि इतने लड़के में इतना फ़ायदा, फिर वो धीरे धीरे करके मैं सीख ही रहा था, फिर मैंने भी स्टार्ट कर लिया। उसमें भी बेनिफिट फिर इधर उधर करके थोड़ा सा दिमाग बस दौड़ाना पड़ता भाई। पैसे बहुत बड़ी बात नहीं है पैसा कमाना भाई, मैं सच बताऊँ तुम बहुत ही इजी है भाई, बट थोड़ा सा दिमाग बस लगाना पड़ता है जो कि आप लोग नहीं लगा पाते हैं और अपने माइंड में मतलब प्रेशर डाल लेते हैं कि अब भाई अब क्या होगा ऐसा इतना बड़ा, मतलब इस छोटे से इशू को ना आप इतना बड़ा इशू बना देते हो, मतलब छोटा सा प्रॉब्लम को इतना बड़ा प्रॉब्लम मतलब क्रिएट करते हो आप खुद ही अपने दिमाग में भाई। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतना भी होगा या फिर इतना भी होगा ना प्रॉब्लम तो हाँ है तो है, एक साइड में सोचने वाली क्या बात है भाई, है तो है साइड में रहे वो भी रहे हम भी काम करें। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए मैं अभी 1000 रुपये 1500 2000 कभी कभी 2500 रुपये भी कमाता हूँ एक दिन का। अभी नॉर्मल से नहीं, इधर मेरा कोई मतलब नौकरी वोकरी या फिर जॉब वगैरह नहीं लगा है, और ऐसे आप कमा के दिखाओ मेरे को नहीं कमा सकते भाई, तो ये चीज़ मैं खुद बनाया हूँ भाई अपने दम पे। बट इसके साथ ही साथ मैं वीडियोग्राफी बनाते रहता हूँ जो आप लोग देख ही रहे हैं, ऐसा सीन होता है दोस्तों। वीडियो भी मैं कभी ऐसा नहीं है कि आज छोड़ दूँ ऐसा वाला नहीं है, डेली का डेली बनाता रहता हूँ, वो भी 7 से 8 मिनट का। 7 से 8 मिनट में आप लोगों को पूरा भाई सुबह से शाम तक का सीन दिखाता हूँ, जबकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता भाई काम वगैरह करने में, फोन वोन चलाने का परमिशन भी नहीं होता। बट एज अ लीडर मैं लीडर हूँ तो फिर मैं इधर उधर बातें वगैरह करता रहता हूँ। बट ये चीज़ है दोस्तों, आपके लाइफ में कितनी भी कठिनाइयाँ आए बट उस कठिनाइयों से आप कभी भी नहीं डरें, उस कठिनाइयों का उस प्रॉब्लमों का आप फेस टू फेस सॉल्व करें भाई, फेस टू फेस ना, ऐसा नहीं है कि उससे पीछे हटो भाई उससे डरो नहीं भाई, सॉल्व करो मजबूत रहो और डटे रहो और मेहनत करते रहो भाई, मेहनत करते मतलब मेहनत करना कभी मत छोड़ो भाई। मैं भी वीडियोग्राम बनाता रहता हूँ यार, इधर देखो मैं कॉलेज भी जाता हूँ, कॉलेज का फीस वगैरह पटाता हूँ भाई, और इधर काम वगैरह भी करता हूँ होटल में, और ये सभी वीडियो भी दिखाता हूँ। बट मेरे को वीडियोग्राम बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं काम करने जा रहा हूँ उधर का वीडियोग्राम बनाऊँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो है भाई, कभी ना कभी आप लोगों को इस चीज़ का सच तो पता चले गए, तो इसलिए भाई मैं प्रॉपर आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि मैं होटल में काम करता हूँ भाई। ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई चीज़ें से छुपा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाली समय रहता है तो 2-3 वीडियो वगैरह बनाते रहता हूँ भाई, रोस्टिंग वीडियो भी बनाता हूँ, व्लॉगिंग वीडियो भी बनता रहता है, ये तो चलता ही चलता है भाई। फिर अपना कॉमेडी वीडियो कभी कभी शूट कर लेता हूँ, फिर सिनेमेटिक वीडियो शूट करता हूँ, और मोबाइल वाला करता था बट अब बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा भाई कभी कभी खाली रहता था तो 3 से 4 वीडियो भी शूट करता था, फिर एडिट थंबनेल टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने में इतना ज़्यादा समय लगता है भाई, जो ये कि मतलब यूट्यूबर है ना उसको पता होगा भाई, बाकी सभी को बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो ऐसा भाई सीन है, और पैसे कमाने में भी थोड़ा सा दिमाग मतलब चारों तरफ का भाई प्रेशर डल रहता है मेरे सिर में, फिर भी मेरे को घंटा फड़क नहीं पड़ता, है तो है भाई प्रॉब्लम। मैं क्या इन सभी को गिनते बैठूँ कि हाँ मेरा ये है ये है, मतलब दुख थोड़ी रहूँ भाई कि इसका ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, है तो है भाई नॉर्मल सा एज ए नॉर्मल साइड में ये है भाई, टेंशन वेंशन लेने की ना जरूरत है भाई, इसका सॉल्यूशन ढूंढो, इसका सॉल्यूशन ढूंढने में अपना समय बर्बाद करो। और ये लड़कियों के चक्कर में अभी जो आशिक बने बैठे हैं भाई चूतिए के जैसे, कि भाई बाबू खाना खाया कि नहीं, फिर नस वस काट लिया, मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई, ना लड़की है ना कोई भी है, नस वस तो कहाँ भैया, अपना अपना हाथ पर मैं क्यों मतलब निशान वशान डालूँ भाई, और वो भी किसी दूसरे लड़की के लिए जो मेरे को कंफर्म ही पता नहीं है कि वो मेरे से बस बात करती है या फिर 10 जने से बात करती है, तो बिल्कुल भी नहीं भाई। जो भी प्यार व्यार करना है अपने माता पिता जिससे करो, कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, उससे डबल प्यार मिलेगा आप लोगों को। बट लड़कियों से करने में बहुत ही दिक्कत है भाई, उससे अच्छा है कि अपने से प्यार करो, अपने अपने माता पिता जिससे प्यार करो, पैसे कमाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो दोस्तों, और पढ़ाई भी करो, पढ़ाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो भी मेरे को इतना ज़्यादा पैसा वगैरह मिलता है ना, वो मेरा बातचीत करने के तरीके से मिलता है। पहले मेरे को हिंदी भी बोलना ढंग से नहीं आता था, फर्स्ट व्लॉग मेरा देखना, हिंदी भी बोलना मेरे को ढंग से बिल्कुल भी नहीं आता था, बट अब धीरे धीरे करके सुधरता ही जा रहा है। अभी मेरे कंफर्म मतलब सुधरा भी नहीं है, बट अपने आप को और अच्छे से ट्रेन करता ही जा रहा हूँ, धीरे धीरे के को होगा। भैया से बात करता हूँ ना, तो उनको लगता है एक पढ़ा लिखा छात्र है जो कि अच्छा काम वगैरह करने आ रहा है, लड़के उड़के भी लेके जाता हूँ, तो एकदम से मतलब अच्छे से बात करता हूँ, उनको भी समझ में आ जाता है कि ये थोड़ा अच्छा पढ़ा लिखा है, तो इससे बकचोदी करना बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं पढ़ाई डिपेंड करता है भाई, हर किसी जॉब नौकरी काम वगैरह में सभी में लगता है भाई, तो आप लोग पढ़ाई करो। और मैं तो आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ भाई, मेरा तो ऐसा कुछ सीन नहीं है कि आप लोगों को मैं दिमाग को दे दूँ, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग करो या फिर ना करो मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ। धीरे धीरे करके मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, क्योंकि मैं 2-3 बजे तक भाई वीडियो वगैरह बनाता हूँ, थंबनेल वगैरह बनाता हूँ भाई काम से आने के बाद भी, तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा, और कुछ ना कुछ भैया भाई बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बट अभी करूँगा भी। बस यही सभी चीज़ें थी दोस्तों जिसको आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और अपने लाइफ में बिल्कुल भी टेंशन वगैरह ना लीजिए,
जो भी है शॉर्ट सॉल्व करिए यार, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई यहाँ का नहीं खड़ा है, वीडियो वगैरह बना रहा है। आप लोग एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिएगा मेरे वीडियो के नीचे में, फिर मेरे को पता चल जाएगा, फिर अपना प्रॉब्लम बताना भी, उसका सॉल्व मैं कर दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इन्जॉय करो भाई, मजे करो अपने लाइफ में और चंगे भले रहो भाई, और क्या बोलूँ यार, और क्या बोलूँ, खुश रहो भाई। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं कहने दिन करता हूँ, आशा है कि आप लोगों को आज के ये वाला व्लॉग पसंद होगा। पसंद होगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दिया, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। फिर मिलते हैं आप लोगों किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।